मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 के पहले 4 भाग अभी कर रहे हैं और इसी में साथ में ही अगले 4 भाग भी हम करेंगे। इसमें हमें बताना है कि जो बहुपद हमें दे रखे हैं पी एक्स के रूप में और एक्स का मान यदि हमें दे रखा है तो बताना है कि क्या यह एक्स का मान इसका शून्यक है। शून्यक का मतलब कि इस एक्स का मान बहुपद में रखने पर क्या इस बहुपद का मान शून्य होगा, जीरो होगा। आइए रख कर देखते हैं। पी एक्स हमारे पास 3x + 1 है और x कितना है, -1/3। तो p -1/3 हमें लेना है, अर्थात x की जगह क्या रखना है हमें, -1/3 और जमा का 1 है, 3 + 3 ये कट गया, ये क्या हो गया बच्चा, -1, यहाँ +1, -1 और +1 क्या हो गया, शून्य हो गया, अर्थात यह है इसका शून्यक है। मान शून्य आ गया तो शून्यक है, मान शून्य नहीं आया तो शून्यक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे p क्या निकाल लेंगे, 4/5, यहाँ पे 5 गुना x की जगह 4/5 -5, क्या बच गया, 4 -π, 4 में से π नहीं घट सकता तो इसका मान यही रहेगा, अर्थात शून्य के बराबर नहीं आया तो यह इसका शून्यक नहीं है। अगला देख लेते हैं, पहले p1, इसके 2 मान है ना, तो x की जगह 1 रखने पर 1 - 1 क्या आ गया, शून्य, ठीक है, ये भी शून्य है। अब दूसरा मान क्या है इसका, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 - 1 क्या हो गया, शून्य हो गया, अर्थात x के ये दोनों मान इसके लिए क्या है, बहुपद के लिए शून्य है। अगला देख लेते हैं, x का मान -1 और 2 यहां रखते हैं, p -1 रखें, -1 + 1 और -1 - 2 ये क्या हो गया, शून्य हो गया, और यहां मेरे पास -3 आया और शून्य को किसी से भी गुणा करें आंसर क्या आएगा, हमेशा शून्य ही आएगा, ठीक है। अब p 2 रख के देख लेते हैं, मान इसका 2 - 1 और यहाँ पे 2/2, सिर्फ x की जगह वही मान रखना है जो हम यहाँ ले रहे हैं, 2 - 1 = 3, 2 में से 2 = 0 और 3 को 0 से गुणा करेंगे, शून्य, अर्थात इस बहुपद में भी x के ये दोनों मान इसके क्या है, शून्य है। तो ये 4 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले देख लेते हैं, इसी प्रश्न का 5वां भाग हमारे पास, px बराबर x की शक्ति 2 है और x बराबर 0 यदि हम लेंगे p0, तो 0 की शक्ति 2 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया, तो ये भी इसका एक शून्यक है, मान 0 आते ही शून्यक हो जाता है। अब यहां x बराबर -m/l है तो यहां रखेंगे p -m/l बराबर, l है यहां, x की जगह क्या रखना है, -m/l और जमा का m, ये हमारे पास है ही, l से l कट गया, ये क्या बच गया, -m + m, -m + m क्या हो गया, शून्य हो गया, एक जोड़ एक घटा कोई भी हो वह संख्या या अंक हमेशा शून्य आएगा मान उसका, ठीक है। अब यहां 2 मान है, -1/√3 और 2/√3, तो पहले हम -1/√3 को देखते हैं, तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 * -1/√3 की शक्ति 2 और -1, यहां से 3 * 1 और √3 = 3 आ गया, -1। अब यहां नेगेटिव का वर्ग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 * 3 = 3, तो ये क्या गया, 1 - 1 हमारे पास क्या बच गया, शून्य बच गया, ठीक है। अब 2/√3 को भी देख लेते हैं, 2/√3 को जब बनाएंगे, 3 * 2/√3 -1, यहां से जब हम देखेंगे इसका वर्ग है यहाँ पे 3 * 2 = 4 √3 = 3 - 1 = 3 क्या बच गया, 4 - 4 = 1 क्या बच गया, 3। तो यहाँ पे इन दोनों मानों में यदि हम देखें पी एक्स में जो बहुपद है, x का मान -1/√3 तो इसका एक शून्य है, लेकिन 2/√3 क्या है, शून्य नहीं है, क्योंकि इसको बहुपद में रखने पर इसका मान, बहुपद का मान शून्य नहीं आया है, ठीक है, एक है दूसरा नहीं है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, p 1/2 हमें लेना है, तो 2 * x की जगह 1/2 + 1, 1/2 ही है ना, 2 * 2 = 2, क्या बच गया, 1 + 1 कितना आ गया, 2, इसका मान हमारे पास कितना आया है, 2 आया है, तो अर्थात यह भी इसका शून्यक नहीं है, मान क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए बहुपद का मान x का मान रखने पर। तो आशा है कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, अगले प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।